हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति, वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई, एक भक्त कह रहा था जी, मैंने मेरे को ना किसी ने बरात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के कोई बात हुई, ऐ मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पर गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लगी, तो सारे टांग ने तोड़ दिए, फिरते टूटता गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया, तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ, फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए, किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा। ये घर बैठ कर करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके बोलो सतगुरुदेव की जय हो।